हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दोस्तों ब्रेकिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो दोस्तों, इंडक्शन मोटर की जो ब्रेकिंग होती है दोस्तों, वो तीन प्रकार से होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरी ब्रेकिंग जो होती है दोस्तों, वो प्लगिंग। तीसरी ब्रेकिंग जो होती है दोस्तों, वो डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है दोस्तों, डायनेमिक ब्रेकिंग, ठीक है। तो दोस्तों, ये तीन प्रकार हैं जिनके द्वारा इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग होती है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में, और दोस्तों डायनेमिक ब्रेकिंग के भी चार प्रकार होते हैं, जो कि हम जब डायनेमिक बेसिक ब्रेकिंग पढ़ेंगे तब उस समय हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं ये बता दूं, अगर इस लेक्चर के आपको नोट्स, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर वो आपको नोट्स रूप में चाहिए, तो आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले टर्म आ रहा है दोस्तों, रीजनरेट, ठीक है दोस्तों। रीजनरेट में हम क्या कर रहे होंगे दोस्तों, कि जो पावर हमने फेड किया, मोटर जब चल रही थी दोस्तों, तो हमने पावर, इलेक्ट्रिकल पावर उसको दिए, वो पावर हम वापस पा रहे हैं। ब्रेक जब कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या कर रहे हैं हम, वो पावर वापस पा रहे हैं। मतलब इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या है, रीजनरेट। मतलब हम मशीन को रोक रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रोकते समय मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इंडक्शन मोटर, जैसा कि नाम सजेस्ट है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन मोटर के बारे में, लेकिन यहाँ पावर क्या हो रही है, रीजनरेट हो रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इंडक्शन मोटर है जो दोस्तों, वो इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लगता है। इंडक्शन मोटर किसकी तरह काम करने लगता है दोस्तों, इंडक्शन जनरेटर की तरह। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में दोस्तों, जब हम ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, तो इंडक्शन मोटर किसकी तरह काम करने लगता है, इंडक्शन जनरेटर की तरफ। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर की तरह काम कब करता है, ठीक है दोस्तों। तो इंडक्शन मोटर में दोस्तों, एक बहुत ही फेमस टर्म आपने पढ़ा होगा, स्लिप, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है, Ns-R/Nr, जिसमें दोस्तों Ns आपका क्या होता है, रोटेटिंग फील्ड स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। और Nr क्या होता है दोस्तों, ये होता है रोटर की स्पीड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पता है आपको कि इस स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कि इंडक्शन मशीन जो है वो मोटर की तरह काम करेगी या जनरेटर की तरह। तो दोस्तों, जब स्लिप ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी स्लिप पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने के केस में क्या होगा दोस्तों, Ns > Nr होगा। ये ऊपर वाली वैल्यू जो होगी दोस्तों, उसमें Ns बड़ा होगा, Nr छोटा होगा, तभी ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में किसकी तरह काम करता है दोस्तों, इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है दोस्तों। जब S < 0 होता है दोस्तों, S > जो होता है, यानी दोस्तों Ns > Nr, तो किसकी तरह काम करता है दोस्तों, इंडक्शन जनरेटर की तरह। तो एक बात तो समझ में आ गया दोस्तों, कि ब्रेकिंग के लिए हमें स्लिप को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। अब दोस्तों, स्लिप को हम नेगेटिव करेंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों ये स्लिप को नेगेटिव करने के लिए या तो हमें Ns को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा Nr से। तो दोस्तों, जैसे हम मोटर के केस में पढ़ते हैं दोस्तों, कि Ns ज़्यादा होता है और Nr उसी को कैचअप करने की कोशिश करता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल में इंडक्शन मोटर में हमने पढ़ा है कि Ns ज़्यादा होता है और उसको क्या करता है, Nr कैप्चर करने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये हम इसको करेंगे कैसे, अब हम ये कैसे करेंगे दोस्तों कि Ns को कम करें और Nr उतना ही रह जाए। तो इसके लिए दोस्तों, हमें पता है कि जब मोटर नॉर्मल ऑपरेशन कर रही है, तो Nr कुछ ना कुछ अचीव हो चुका है, उसके बाद हम तुरंत अगर Ns को कम कर दें, तो Nr तो तुरंत कम नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि Nr के ऊपर लोड कनेक्टेड है या उसकी मैकेनिकल इनर्सिया है, जिसकी वजह से Nr तुरंत कम नहीं हो पाएगा, लेकिन Ns तुरंत कम हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि Ns की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, 120 F/P। यहाँ पर F क्या है दोस्तों, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, और P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स,
ठीक है दोस्तों। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो दोस्तों अगर हम ड्राइव का यूज कर रहे हैं, जैसे VFD ड्राइव का, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस F को तुरंत कम कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को तुरंत कम कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया, क्या होगा दोस्तों, NS कम हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे तो हम क्या मोटर नॉर्मल ऑपरेशन कर रही होती है दोस्तों, तो NS जो है NR से ज़्यादा होता है, लेकिन हम तुरंत क्या करते हैं ब्रेकिंग करने के लिए दोस्तों, F को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से NS NR से कम हो जाता है। तो ये इंस्टेंटेनियसली कम हो जाता है, लेकिन इसको कम होने में टाइम लगेगा। इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, मोटर के टॉर्क क्या हो जाती है, नेगेटिव, और मोटर क्या करता है दोस्तों, इसको रोटर को रोकने का कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम दोस्तों ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राफ के द्वारा समझने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये इस तरीके का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले दोस्तों, ठीक है। ये रहा जो कि ग्राफ किसके किसके बीच में है दोस्तों, TM और NR के बीच में, TM और NR के बीच में इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया दोस्तों। ये कि मोटर का टॉर्क है और ये जो है रोटर की स्पीड है, इसके बीच में हमने क्या किया दोस्तों, कर्व प्लॉट किया। तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कर्व कुछ इस तरीके का बना दोस्तों, नॉर्मल ऑपरेटिंग कर्व, जिसमें आपका ये लोड टॉर्क है TL, एक कांस्टेंट लोड ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों। तो इस पॉइंट पे क्या है, स्टेबल ऑपरेशन पॉइंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वाला पॉइंट बी वाला पॉइंट है, जिसपे मशीन इस समय ऑपरेट कर रही है। और NS क्या है दोस्तों, NS इस केस में NS1 है, जो NS1 जो है दोस्तों, वो दोस्तों किसकी वैल्यू है, NS1 की। जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी दोस्तों, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब क्या होगा, कोई भी नेट में फ्लक्स लिंकेज नहीं हो रहा होगा, तो इसकी वजह से कोई करंट नहीं जनरेट हो रहा होगा, ना ही उसके ऊपर कोई टॉर्क लग पा रहा होगा दोस्तों, क्योंकि रोटर की स्पीड किसके बराबर हो गई, NS1 के बराबर, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इस पॉइंट पे जीरो होता, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया दोस्तों, ये नॉर्मल कर्व था, इसके बाद हमने ब्रेकिंग कर्व बनाया। ये रहा दोस्तों ब्रेकिंग कर्व, ठीक है। तो ब्रेकिंग कर्व बनाया दोस्तों, तो अब आपका NS2 क्या होगा, ये हो गया, पहले वाले NS2 से कम हो गया दोस्तों। अब सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे आ गई शिफ्ट होकर, क्योंकि पहले NS2 यहाँ पे था, NS1 यहाँ पे था, अब NS2 यहाँ पे आ गया। लेकिन दोस्तों जो NR है, जो मैं बात करूँ दोस्तों, NR1 वो तो यहीं पे रह गया दोस्तों। तो मोटर अचानक कहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट पे पहुँच गई, ये बी के ऑपरेटिंग पॉइंट से कहाँ पहुँच गई, सी के ऑपरेटिंग पॉइंट पे। इस केस में आप देख रहे हैं दोस्तों, TM की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो मोटर वापस से जाने की कोशिश करेगी दोस्तों, ये जो डी वाला स्टेबल पॉइंट है यहाँ पे, वापस से जाने की कोशिश करेगी दोस्तों ये डी वाले स्टेबल पॉइंट के ऊपर। तो जैसे जैसे मोटर ऊपर जाती है दोस्तों, और ये इस पॉइंट पर पहुंचती है दोस्तों, जो पॉइंट ई है, इस पॉइंट पर अगर पहुंचती है, तो हम तभी हम क्या करते हैं दोस्तों, मोटर की सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देते हैं। इसका अगर नोट्स चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।